My name is Akshita Bhatia, and today the topic is English daily use sentences. Well, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आप जब कॉन्वर्सेशन करते हैं हिंदी में करते हैं कोई और अपनी मदर टंग में करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मानो दिमाग में अपने आप ही सेंटेंसेज आते रहते हैं, वर्ड्स आते रहते हैं और आप बस बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तब क्या हो जाता है, तब थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब थोड़ा फंबल करने लगते हैं, तब थोड़ा सोचने लगते हैं, थोड़ी आंखें ऊपर नीचे जाती हैं, सोचते हैं करें तो करें क्या, करें तो आगे वाला शब्द क्या है। जब अभी कुछ बोल रहे होते हैं तो दिमाग में आगे वाले सेंटेंस की वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपको लगता है, क्यों होता है, आप मतलब बता सकते हैं क्यों होता है, आपको कभी सोचा है क्यों होता है? वैसे मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो है जीके पढ़ते हैं या आपने बच्चों को देखा होगा कि वो एसएसटी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थ्योरी आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे उसको रिवाइज करें ना तो आप उसमें मास्टरी कर लेते हैं, ये बात ठीक भी है। लेकिन इंग्लिश उनमें से नहीं है। इंग्लिश में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़रूरी है। इसमें जितना पढ़ पढ़ के ऐसा नहीं होता है, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, आप जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरे से बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और वही तो चाहिए। कभी आपने देखा हिंदी में किसी को बोलते हुए कि मैं ठीक हूँ आप कैसे हो, हम बोलते हैं मैं ठीक हूँ यार तुम कैसे हो। तो इसमें क्या है, इसमें आपके इमोशंस आ रहे हैं, इसमें आपकी टोन आ रही है, इसमें आपके वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो और जैसे आप एकदम नेचुरली बोल रहे हो। लेकिन इंग्लिश में आई एम फाइन थैंक यू, कितना फ़र्क है, ऐसे नहीं बोल सकते आई एम फाइन हाउ अबाउट यू, तो इसमें भी तो है। तो क्या फ़र्क क्या है और ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हमारा जो है दिमाग सोच रहा होता है और उसकी स्पीड हमारे माउथ से मैच नहीं होती है, तब जो है ये कन्फ्यूजन, तब जो है ये एकदम जो बीच में फंबल करने की आदत होती है ना, ऐसे करने की आदत, वो आती है। तो इसीलिए हमको जो है क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से बात करनी चाहिए, हमें जो है कुछ वर्ड जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे याद नहीं होंगे कहीं पर लिख लेना चाहिए और अपने बेड के पीछे या वॉश बेसिन के साथ में या कहीं मिरर पर लगा लेना चाहिए ताकि कभी भी अगर जाते आते उसको देखें ना तो हमें वो वर्ड याद रह जाए। सिर्फ दिमाग का खेल है और कुछ नहीं, अपने दिमाग में बिठाने की बात है। और वो कैसे बिठाया जाएगा, वो जो है आपको बात कर करके आएगा, वो कॉन्फिडेंस और वो जो फ्लुएंसी और आपका दिमाग उस बारे में चल रहा है वो उसी से आएगा। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो आपको डेली यूज़ में लाने हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में लाने हैं और कहीं पर भी आप जाए थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। देखिए, धीरे धीरे करेंगे ना तो पक्का आप उस लेवल पर पहुँच जाएंगे कि आपको लगेगा कि इंग्लिश तो मेरी मदर लैंग्वेज ही है, मदर टंग, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखिए, कभी भी आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम इंप्रेशन होता है, हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, राइट, वी आस्क अबाउट हाउ आर यू, या हम ऐसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, ठीक है, या हम पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, या हम पूछते हैं कि आप रहते क्या हो, आप करते क्या हो, ये वो ये, पर तो हिंदी की बातें होंगी। इंग्लिश में क्या करें, इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलते हैं हम हमेशा क्या पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो, हम उनका हाल चाल पूछते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई हाउ आर यू, हाउ आर यू, और उसके बदले में वो क्या जवाब देंगे, या कोई अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे कि आई एम फाइन, है ना। तो आई एम फाइन और उसके बाद आई एम फाइन के बाद अगर आपको उनसे पूछना है कि आप क्या पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हाउ अबाउट यू। अब देखिए, ये आप ये जो आपका सेंटेंस है या आप ऐसे बोलो कि ये क्या है, तो इसमें इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कैसे हो या क्या हो, लेकिन येट इसका जो मतलब है वही है जैसे मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि हाउ अबाउट यू, और इसकी जो आवाज़ आती है ना हाउ अबाउट यू, नहीं, इसको थोड़ा स्टाइल से बोलना पड़ता है, और वो स्टाइल क्या है, हाउ हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, कि आप कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ आप कैसे हो। तो देखिए, ये जो स्टाइल होता है ना, देखिए एक ना होता है स्टाइल, ठीक है, एक होता है टोन, ठीक है, और फिर होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपको स्टाइल और टोन आपने पकड़ ली ना, कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर हमको कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी है तो स्टार्ट के लिए, स्टार्ट मतलब हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कोई चीज़ कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ आर यू, ठीक है, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या हाउ अबाउट यू, ठीक है, और इसका इसका मतलब देखिए, ठीक है, यही इंग्लिश की ना सुंदरता है, यही इट्स अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, ठीक है।
ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं है, क्या कुछ रूल है, कुछ नहीं। ग्रामर अपनी जगह, बोलने की अपनी जगह, समझ रहे? अगर आपको नहीं आता है ना, तो ये कुछ मैंने आपको जैसे बोल रही हूँ कि ये सेंटेंसेस ना अपने डेली यूज़ में लाना शुरू कर दीजिए और फिर आप कमाल देखिए। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और आपको इतना सा भी अगर सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे प्रोत्साहन दीजिए, ताकि आगे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दे सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हमने कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट कर दी, आगे क्या करते हैं? आगे हम पूछते हैं कि वी टॉक अबाउट दैट, वेयर आर दे फ्रॉम, वो कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से हो। तो आप क्या पूछते हो कि वेयर आर यू फ्रॉम, ओके, वेयर डू यू स्टे, ठीक है। तो ऐसे कुछ और सेंटेंसेस भी है कि जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, और इसमें हम पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, और वो हमसे पूछते हैं कि हमें जवाब देते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई स्टे इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। तो आप ये कुछ चीज़ें जो नहीं है, कुछ सेंटेंसेस, कुछ आप एफर्मेशंस, कुछ आपके फ्रेजेस हो गए, कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हो गए, अगर आप उसे अपने डेली यूज़ में लाएंगे ना कॉन्वर्सेशन करने के लिए, आप माइंड यू, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपके बोलने पे और कॉन्फिडेंस पे। एक बार आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो आप जो भी बोलेंगे ना, उस पर छोटी मोटी गलती आपकी ठीक हो सकती है, पर आप बोलना शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ के, तो जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि हम पेपर में तो बड़ा अच्छा लिखाते हैं, नंबर भी हमारे बड़े अच्छे थे, 95 आते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सही बात है। बोलने पे क्या हो जाता है आप बताइए? बोलने पे कुछ नहीं हो जाता, बोलने के लिए ना एक कॉन्फिडेंस चाहिए, बोलने के लिए ना दिमाग और इसका माउथ का जो स्पीकिंग टंग का जो लेवल होता है ना, और जो स्पीड होती है, वो मैच करनी चाहिए। वो हमें नेचुरली जो है बर्थ से अपनी मदर टंग में जो आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आ पाती। इसी से हम कुछ आगे सेंटेंसेस देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई हैव नो आइडिया व्हाट्स द वेदर लाइक। आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी हम किसी से बात करने को कुछ नहीं होता, तो हम इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, है ना, और राउंड एंड राउंड वेयर अबाउट घूमते रहते हैं। यह होता है कि हम बोलते हैं कि आजकल का मौसम कैसा है, आज तो बारिश लग रही है, आज तो सनलाइट लग रहा है, तो उसमें हम बोलते हैं कि जैसे व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक, ठीक है। तो इसमें मतलब कि वेदर कैसा है, इट्स सनी टुडे, राइट। हम कैसे बोलते हैं, इट्स सनी टुडे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेज है जो आप डेली यूज करेंगे ना, तो आपको आएगा। अब इसी के साथ मैं जो हूँ इस चीज़ को मिटा दूंगी और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जब हमारी बातें थोड़ी आगे बढ़ जाती है, तो हम और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्या पूछते हैं, इधर देखिए, ठीक है, आगे देखिए। तो इसके बाद हमारी कॉन्वर्सेशन तो चलो स्टार्ट हो गई, उनका पूछ लिया, अपना बता दिया, उनसे पूछ लिया और आगे भी बातें जान ली, कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं। आगे और क्या, आगे देखिए, आगे कभी भी अगर आपको किसी को पूछना होता है कि चलो कहीं चलते हैं, या चलो कहीं बैठते हैं, या चलो, तो उसे कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्या कि कभी भी आप किसी से बात करें, ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने टोन पे और कॉन्फिडेंस पे आपको लगाम रखनी है, और उसके बाद आपका सब सही हो जाएगा। उसके बाद जो हम कुछ चीज़ें पूछते हैं कि उसके बाद लिख देते हैं कि डू यू वांट टू गो समवेयर, हम किसे पूछते हैं, डू यू वांट टू गो समवेयर, शैल वी सिट समवेयर, एंड शैल वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर। देखिए ये कुछ टाइम है, क्या हम, ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। कितने सेंटेंसेज मैंने बताया कि शैल वी गो, शैल वी सिट समवेयर, या उसके बाद शुड वी गो समवेयर, या कैन आई टेक यू देयर, या कैन आई टेक यू टू कैसे भी कोई भी जगह, कमला नगर, एनीथिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप जो नहीं अपने साथ उनको लेके जा सकते हो, और बात आगे बढ़ जाए तो आप और भी कर सकते हो। उसके बाद बोलते हैं कि वेयर यू वर्क, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, हम बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, वेयर डू यू वर्क, ठीक है। वो भी पूछते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं। जब हम किसी बंदे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कोई भी कोई स्टार्टर कॉन्वर्सेशन पर, कोई कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 बातें ऐसी बढ़ती हैं, ठीक है। और फिर एक और चीज़ जो हम बोलते हैं कई बार, वो हम बोलते हैं कि शैल आई बाय यू अ ड्रिंक, शैल
कि क्या मैं आपको एक ड्रिंक लेके दे सकता हूँ, शुड वी सिट समवेयर इफ यू डोंट माइंड, ये आपका जो नहीं है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो आपका है, आप एक चीज़ देखिए कि कभी भी आप किसी से बात करेगा और उसमें थोड़ी सी सिंप्लिसिटी, थोड़ा सा पोलाइटनेस और थोड़ा सा अगर अच्छा नेचर उसमें थोड़ा ऐड कर देंगे तो सामने वाला आपकी गलती भूल के आपके नेचर को पसंद कर लेता है, ठीक है। तो कहीं पर भी किसी के ऊपर भी आपको अगर अपना इम्प्रेशन छोड़ना है, किसी को भी ऊपर अगर आपको छाप छोड़नी है, कहते ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये कई बार सच भी होता है, ठीक है। मौके मिल जाते हैं तो आप अपने को लकी समझिए, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उसमें ना आप अपना थोड़ा वार्म्थ, कहते ना इट्स अ हम्बल नेचर, दिखाया कीजिए। से कभी भी अगर आपको किसी को किसी चीज़ से पूछना है, सबसे पहले आप ये शुरू, इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू टेल मी वेर यू लिव, इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू गो आउट विद मी, ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक सेंटेंस है जो आप कई बार सुनेंगे, Would you go out with me someday? फिर हम पूछते हैं कि can we have coffee? ऐसे करके भी हम कई बार पूछते हैं। तो देखिए ये जो कुछ सेंटेंसेज है ना, आपको समझने पड़ेंगे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपके खुद के आप खुद बना सकते हैं। बस इसमें आपको क्या ऐड करना है, जैसे कहते हैं ना थोड़ा मसाले ऐड कर देते हैं, नहीं थोड़े मसाले ऐड कर देते हैं, थोड़ा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे आप अपनी बातों में अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस और हम्बल नेचर डाल देंगे ना, तो आपकी इक्का दुक्की जो गलतियाँ होती हैं ना वो हो जाएंगी। तो ये देखिए कुछ सेंटेंसेस, जैसे हमने बात की, वेयर डू यू वर्क, शैल आई बाय यू अ ड्रिंक या कॉफ़ी, कुछ भी आप उसको थोड़ा रिप्लेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू गो आउट विद मी समडे, और उसके बाद जैसे बोल सकते हैं कि विल यू हैव डिनर टुनाइट, ऐसे करके भी कुछ बोल सकते हैं आप। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने बोला आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, आपको ऐसे समझना है कि भाई पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं, तो नहीं, ये सारे जो है डेली यूज सेंटेंसेस है और आपको जो है इसे अपने उसमें जो है यूज़ में लाना है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओ। जब आप इसमें हो जाओगे ना, तो आपका एक लेवल ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सामने वाले को पता ना भी लग रहा हो ना कि इनको आता ही नहीं है कुछ ऐसा है, आपको जताना ही नहीं है, ठीक है, आप लोगों को कि भाई प्रो है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ हम सेंटेंसेस की बात करें, तो आप बोल सकते हैं जैसे कोई भी आपको कोई चीज़ ऑफर करता है, वुड यू लाइक वन, ये जैसे बहुत अच्छा होता है कि जैसे आपका भी कुछ, इफ़ यू आर हैविंग समथिंग, यू नो इफ़ यू आर हैविंग समथिंग राइट नाउ एंड डू यू सी समवन इज स्टेयरिंग एट यू और शी और ही इज जस्ट सिटिंग बिसाइड यू एंड यू जस्ट आस्क हिम, वुड यू आस्क दैट इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग एंड देन यू आस्क दैट वुड यू लाइक वन, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, वुड यू लाइक वन, कि मतलब जो भी मैं खा रहा हूँ उसमें से आप थोड़ा सा लेना चाहेंगी, ऐसे करके। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, और मैं आपको बार बार अगर आप देखेंगे ना, तो जो आप कहना चाहते हैं कुछ है वो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ सेंटेंसेस में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो जैसे वुड यू लाइक वन, वुड यू लाइक टू हैव वन, वुड यू लाइक टू हैव दिस, वुड यू लाइक टू हैव दैट, ऐसे करके कुछ पोलाइट चीज़ें जो हमेशा आपको यूज़ करनी चाहिए, अगर आपको जो है इस चीज़ को कभी भी अपने अंदर इस चीज़ में अगर कॉन्फिडेंस जानना है, और अगर आपको अपने आप को बताना है कि आप बेस लेवल से ऊपर है, तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखें अगर कुछ, तो ये सेंटेंसेज हमारे हो गए, और अगर हम देखें तो और हम क्या बोल सकते हैं कि कभी भी अगर आपने जैसे उन्होंने बाई चांस आपसे चीज़ ले ली, उन्होंने आपसे बिस्किट जैसे आप खा रहे अगर आप ले लिया, तो फिर वो आपको क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे थैंक यू, ऐसे करके बोलेंगे ना, थैंक यू आई लव इट, ठीक है। तो क्या है, एक और सेंटेंस आया हमारे पास, थैंक यू आई लव इट, ठीक है। और हम इसको और भी कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इसको हम और भी इम्प्रोवाइज ऐसे कर सकते हैं, थैंक यू यू आर सो काइंड, ठीक है। क्या सेंटेंसेस है, यू आर सो काइंड, ठीक है। तो हम ऐसे कभी भी कोई भी हमको जैसे कॉम्प्लीमेंट्स, तो हमें एक चीज़ देखना है कि क्या देखनी है, मैं इसमें लिख के आपको एक बार बता देती हूँ। कुछ की पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि देखिए, कभी भी आपको अगर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है,
ठीक है, एक ये चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद अगर आपको इधर उधर की भी बातें करनी है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि वेदर, जॉब, ये सब चीज़ें से आपको पूछना है, ठीक है। और फिर इसके बाद भी अगर हमको देखना है कि आगे अगर पूछना है तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हम्बल नेचर, ठीक है। और उसके बाद हम जो कुछ ऐसे कुछ चीज़ें पूछते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव दिस, इफ़ यू डोंट माइंड, तो ये जो पोलाइट सेंटेंसेज है ना, हम्बल और पोलाइट सेंटेंसेस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो एक और चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो ये कि हम जो है कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ करें। देखिए, अगर आपके बहन भाई अगर है ना, तो भले ही उनके साथ बहुत लड़ाई होती है जो भी है, लेकिन अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देंगे ना, इंग्लिश में देना शुरू कर दीजिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि उनको तो बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा, आपको भले ही ना लगे, लेकिन इससे आपकी इंग्लिश ज़रूर अच्छी हो जाएगी। क्या क्या आप बोल सकते हैं कि यू आर सो काइंड, यू आर सो हम्बल, यू आर सो नाइस, यू आर सो ब्यूटिफुल, ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लुक, क्या बोला मैंने, अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं, क्या बोला मैंने, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या अभी मैंने जस्ट बोला, क्या कि यू हैव सच अ ब्यूटिफुल फेस, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है, यू हैव सच अ ब्यूटिफुल फेस, कि यू आर सो काइंड, यू आर सो हम्बल, ऐसे करके। और ऐसे हम बोल सकते हैं कि योर लुक इज इनडिफरेंट, योर लुक इज सो ब्यूटिफुल, ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट्स पे ध्यान रखना है। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्स भी आप देना शुरू कर देते हैं या ऐसे, ये ना एक तरह का क्या बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करता है, ठीक है। आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉन्फिडेंस को ऐड तो करते ही करते, साथ में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, ठीक है। अगर हम कुछ और सेंटेंसेस की बात करें, तो बाय चांस आप कहीं पे गए हैं और आप, अगर आप खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, आपको वो अच्छा लगा, तो आप क्या बोलते हैं कि इट्स वेरी डिलिशियस, क्या बोलते हैं, इट्स वेरी डिलिशियस। फिर आप इसको और कैसे बोल सकते हैं कि आप इसको बोल सकते हैं कि यू शुड हैव अ बाइट ऑफ इट, क्या हैव अ बाइट ऑफ इट, तो एक ये भी चीजें आप देखिए। तो देखिए ये सारी, आप इन सारे सेंटेंसेस को देख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक पूरा कॉन्वर्सेशन का ना, एक पूरा पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है। आप धीरे 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 इनको यूज़ करने लग जाएंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। अब आप ये देखिए कि जैसे आप उनके साथ मिल रहे हैं और फिर जैसे आपको जाना, यू हैव टू गो, एंड व्हाट विल यू से, सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। क्या क्या है कि सी यू सून, ठीक है, अभी बोल सकते हो ना कि हम जल्दी मिलेंगे, बोलते हैं ना से कि सी यू सून, और उसके बाद इट वॉज नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, ठीक है। हम पूरे इतने पूरे हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन की, तो एक क्या है, इट वॉज नाइस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, तो ये भी एक सेंटेंस है जो आप यूज कर सकते हैं कभी भी एंडिंग अप कर रहे हो तो, क्या कि इट वॉज नाइस टू हैव कॉन्वर्सेशन विद यू। उसके बाद आप इसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे आप कभी भी किसी की जैसे जा रहे हैं तो आप बोलते हैं कि ओके नाउ आई मे टेक योर लीव, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इट वॉज टाइम वेल स्पेंड या टाइम वेल स्पेंड, आप ऐसे भी करके बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा टाइम बीता, इट वॉज अ वेरी फन नाइट, ठीक है, एंड यू हैव वेरी लवली नेचर, और
और ऐसे करके ना चीज़ें आप अपने कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करते हैं, अपने कॉन्वर्सेशन को आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, उनको भी बना रहे हैं, ठीक है। और उनको क्या लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे हैं, आपकी काफ़ी पकड़ है, तो एक इम्प्रेशन की बात करें ना वो बिल्कुल छूट जाता है। अब हम अगर और सेंटेंसेस की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप उनके मदर फादर थोड़ा और भी पूछ सकते हैं कि योर फैमिली, टेल मी अबाउट योर फैमिली, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको यूज़ करने में आएंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप क्या बोल सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, आप किसी से भी पूछ रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि आप उनके बारे में जैसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा और बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि जैसे उसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा बताने लगते हैं कि आई एम, माई नेम इज़ दिस। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है तो मैं कई बार देखती हूँ, वैसे तो मुझे बोलने की आदत नहीं है लेकिन मैंने क्या, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगी कि एक जने को मैंने कहीं पर सुना था, वो कह रहा था कि माई सेल्फ अक्षता भाटिया। तो मैंने कहा कि सोचा मैंने ऐसे कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो रॉन्ग मत बोलिए, ठीक है। और इसीलिए ये वीडियो है, आप प्लीज़ इस पर टाइम रुकेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पता लगेगा, अपनी थोड़ी गलती पता लगेगी कि क्या है क्या नहीं। मैं कहूँगी कि आपको बोलना चाहिए कि माई सेल्फ अक्षता नहीं, कि माई नेम इज़ अक्षता, और ऐसे करके बोलना चाहिए, माई नेम इज़ अक्षता और आई एम अक्षता भाटिया, ऐसे करके बोलना चाहिए। तो वो जो इंट्रोडक्शन है ना, वहाँ पर अपना इंप्रेशन ही ख़राब करना कम से कम, ठीक है। तो माई सेल्फ myself अक्षता इज रॉन्ग, ये एकदम रॉन्ग है, ठीक है, ये आप नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग है। इसके बजाय क्या बोलना है आपको वो देखिए, इसके बजाय आपको बोलना है कि my name is अक्षता, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ देखिए कि कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं है, आप भले ही आप नोटिस नहीं करते हैं, आपको बाद में कभी रियलाइज़ होता है, पर वो जो मौका होता है ना वो चूक चुका होता है, ठीक है, वो जो मौका है ना वो चूक गया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ध्यान देना है कि आपको क्या बोल रहे हो, माई सेल्फ अक्षता इज रॉन्ग। देखिए, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन, या प्रोनाउंसिएशन कह रही हो, कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करना, या तो जो स्पोकन लैंग्वेज होती है जो आप वर्बली यूज़ करते हैं, देखो इनमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ग्रामर तो आप सीख जाएंगे जो भी, लेकिन बोलने में अक्सर दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है। तो खाली लिखने वाली चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलना है ना तो कॉन्फिडेंटली पूरी लैंग्वेज बोलो, समझे। तो ये एक चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम और कुछ सेंटेंसेस की बात करें जो आप बोल सकते हैं, ठीक है, किसी के मिलने पे या ऐसे करके आगे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ, जब आप जैसे जाने की, जैसे मैंने बात की थी कि सी यू सून या ऐसे करके, ठीक है, और विल मीट अगेन, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है जो मैंने कई बार आपको सुना होगा आपने, ठीक है, और आपको भी पता होना चाहिए ताकि आप यूज कर सकें, ठीक है। तो क्या है, तो वो क्या चीज है कि मैंने जैसे अभी बोला कि वील मीट अगेन, वील मीट अगेन, और सी यू अराउंड एक और एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं उसे यहाँ लिखती हूँ, सी यू अराउंड। देखो, इसको हम बोलते हैं कि सी यू अराउंड, इसको अगर आप लिटरल मीनिंग में जाओगे ना तो इसका वो मतलब नहीं है जो आप लिटरली इसको सोचोगे, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि सी यू अराउंड मतलब कि ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सी यू अराउंड इन क्वाइट सम टाइम, या सी यू अराउंड इन सम टाइम, सी यू अराउंड इन फ्यू डेज, सी यू अराउंड इन, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सी यू अराउंड एक बहुत कॉमन है, क्या बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने एक और आपको बताया था, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, टाइम वेल स्पेंट, ठीक है। और फिर जो एक और जो आप यूज कर सकते हैं कि इट वॉज लवली टू बी अराउंड यू, ठीक है, इट वॉज तो
एक ये भी चीज़ देखिए, तो ये सारे कुछ चीज़ें ना, तो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुद के अंदर ऐसे लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा से बेसिक लेवल से तो ज़्यादा ही पता है, ठीक है। अगर हम आगे कोई और चीज़ें देखें तो आगे जब आप किसी, अब आप मिल चुके हैं, ठीक है, आपने किसी के साथ बैठ लिया, अब आप हाय बाय बाय भी हो चुका है, चलो तो अब क्या करें। अभी भी कभी भी आपको किसी को मैसेज करना होता है या कभी आप किसी को कॉन्टैक्ट करना होता है तो आप क्या बोलते हैं, दिस साइड ऐसे करके, जैसे आप किसी स्क्रीन पर हैं, ठीक है, एज इन आप किसी ऑनलाइन ऐप पर हैं और आपको किसी को करना है हाय दिस साइड अक्षिता, हाय दिस साइड अक्षिता, कैन आई टॉक टू यू, ऐसे करके जैसे आप पूछते हैं। आप कभी भी इस बात को कभी मत भूलिएगा, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि एक होता है फोकस और एक होता है कि आप इस चीज़ को कैसे बोलते हैं, ठीक है। हम्बल और पोलाइट नेचर हमेशा आपके उसमें होना चाहिए। और आप देखिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप पूछ रहे हैं या आप ऑर्डर दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं ऐसे करके, कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है, डू यू हैव टाइम, ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेज है जो सामने वाले के पास अगर नहीं भी हो ना, पर आपके हम्बल नेचर देखे वो आपको जरूर जवाब देगा। क्या क्या मैंने बोला इसको लिखते हैं थोड़ा। थोड़ा सा देखते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि डू यू हैव टाइम, ठीक है, फिर हमने एक और चीज़ पूछी, वो क्या थी कि कैन आई Can I talk to you for a second? Can I talk to you for a second? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप ना किसी से पूछ सकते हैं, फिर वो आपको बोलता है येस येस ऐसे करके। तो उसके बाद आई हैव समथिंग इन माइंड, जैसे आपको कभी भी वेन एवर यू वॉन्ट टू जस्ट इंट्रोड्यूस योर आइडिया टू समवन, ठीक है, यू हैव टू जस्ट टेक दिस इन माइंड दैट इट माइट नॉट साउंड एज गुड एज इट साउंड्स टू यू, सो यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू सी द एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि आई हैव समथिंग इन माइंड, यू कैन इंट्रोड्यूस योर आइडिया लाइक दिस दैट आई हैव समथिंग इन माइंड, ठीक है। और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि डू यू माइंड, कैन यू गिव मी अ मिनट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Can you give me a minute of your time? ठीक है, तो एक ये भी चीज़ देखिए कि ये कुछ चीज़ें नहीं आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छा होगा। तो अब मैंने आपको क्या बोला, आप एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उस कॉन्वर्सेशन को आगे अपने बारे में उनके बारे में जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बात आगे और बढ़ती है तो आप अपने लिए कुछ कहीं जाना है या कहीं साथ में जाना है या किसी को इन्वाइट करना है आप तो भी कर सकते हैं। आपको कुछ अगर अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करना है आप तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे हमने बोला था कि आप कभी किसी को सी ऑफ कर रहे होते हैं तो आप कैसे बाय किसी एक अच्छे वे में बोल सकते हैं। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट या थैंक यू या कोई अगर आपको बोले तो आप कैसे कॉम्प्लीमेंट रिसीव कर सकते हैं और कैसे आप कॉम्प्लीमेंट डिलीवर कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैंने आपको बताई। तो एक कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्डअप होती है ना, आज मैंने आपको वो सिखाया। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में लगे कि आपने टाइम इन्वेस्ट करके कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं बाय वे ऑफ योर लाइक, योर कमेंट एंड योर सब्सक्राइब। और उसके बाद जो मैं चीज़ आपको ये बोलूँगी वो ये कि अगर आप ऐसी ही कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे और भी ऐसी वीडियोस आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता लगे, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि आप एक कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ कि हैप्पी यू नो इन्जॉय और कॉन्फिडेंटली हैप्पीली और एकदम उसको इन्जॉय करना और काफ़ी फ्लुएंटली अगर बोलना है ना और सेम उस टोन में बोलना है, वो फील के साथ बोलना है ना, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। आप इनको बोलना शुरू कीजिए और देखिए आपको क्या आएगा। और मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप एक चीज़ जो आप कभी मत भूलिएगा वो ये कि इंग्लिश ऐसी एक लैंग्वेज नहीं है कि आप समझे कि मेरे को तो समझ नहीं आता और कुछ भी बोलते रहते हैं, नहीं, उसके लिए थोड़ा स्टाइल चाहिए, एक थोड़ा कहते हैं ना फिटनेस चाहिए। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आपको जो आपकी लैंग्वेजेज आती है ना वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आपने उसको बचपन से सीखा, तो कोई लैंग्वेज को दूसरी कोई लैंग्वेज को सीखने के लिए आप इतना घबराइए मत। आप सिंपल अपने लिए क्या कीजिए, आप जो है कुछ सेट ऑफ
पहले सेंटेंसेस उठाइए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप नोट कर सकते हैं और उनको डेली डेली यूज़ किया कीजिए। अगर नहीं करना है ना तो अपने बहन भाइयों पर यूज़ कर लिया कीजिए। कहते हैं ना कोई भी चीज़ करते हैं बहन भाई सबसे पहले, तो किया कीजिए, ठीक है। तो उन पर अगर यूज़ करेंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट देने पर या ऐसी कोई चीज़ पूछने में या एक सिंपल कॉन्वर्सेशन करने में अगर करेंगे ना, तो आप मानिए या ना मानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके अंदर से कहते हैं ना, एक अंदर से एक आवाज़ आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और जो मैं और टिप्स दे सकती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी करनी है, तो वो ये कि आप इंग्लिश न्यूज़ वगैरह काफ़ी सुना कीजिए। उसमें वो क्या क्या फ्रेजेस हैं या क्या क्या वो जब न्यूज़ वगैरह चेंज करते हैं या बीच के जो टाइम पर जो चीज़ें बोलते हैं वो कैसे होता कैसे है, ठीक है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ टर्म्स आपको, कुछ फ्रेजेस आपको, कुछ सेंटेंसेस पता लगेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप एक ध्यान दे सकते हैं। और जो मैं आपको चीज़ें बोल सकती हूँ वो ये कि कभी भी अगर आपके टंग और आपके माइंड की अगर कहते हैं ना उसको मैच नहीं करती है, तो कोई बात नहीं, आप इन चीज़ों को यूज़ करने लग जाएंगे ना तो मैच कर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर।